ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस एनिमेशन म्यूजिक लिरिक्स, जो कि गाइस आप कैसे एडिट कर सकते हो। जो कि गाइस आपने स्टार्टिंग में देखा कि गाइस म्यूजिक चलता रहता है एंड जो है लिरिक्स जो है गाइस वो भी साथ में चलती रहती है, तो इस टाइप की वीडियो जब बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही तो गाइस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो ऐसी वीडियो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे अपना कैपकट एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना गाइस, ठीक है। अगर आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी आपको गाइस करना है यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे फोटोज़ में जाऊँगा एंड पे स्टॉक वीडियो में जाऊँगा। यहाँ से मैं गाइस एक ब्लैक कलर का ये जो प्लेन बैकग्राउंड ले लूँगा गाइस, ठीक है। आप कोई सी भी कलर का ले सकते हो एंड गाइस ब्लैक ही लोगे तो गाइस ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि गाइस ये जो एनिमेशन है ना फिर आप ब्लेंडिंग मोड में आप चेंज कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आप आपसे भी करना क्या है गाइस, यहाँ पे पहले मैं गाइस यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। कोई भी म्यूजिक जो आप चाहते हो वैसा म्यूजिक कोई सा भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जिसका आपको लिरिक्स बनाना है तो आपको उसको ऐड कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया गाइस, ठीक है। तो मैं लास्ट का जो एडिटिंग का जो वाटर मार्क है इसको हटा लेता हूँ। अब गाइस देखिए यहाँ पे मेरे को इतना रखना है इसको, मतलब बैकग्राउंड। तो मतलब मैं गाइस यहाँ पे ज़्यादा लिरिक्स तो मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि गाइस वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट गाइस मेन मेन जो पॉइंट है वो आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो गाइस यहाँ पे जो मेन पॉइंट है जहाँ से म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है मैं वहाँ से रखूँगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो आगे से यहाँ से म्यूजिक मेरा स्टार्ट है तो मैं यहाँ तक रखूँगा। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे मैं म्यूजिक को मैंने यहाँ पे प्ले करा। अब तो गाइस देखिए यहाँ पे जो म्यूजिक मेरे को यहाँ से जो लिरिक्स आ रही है गाइस, ठीक है, दो तीन वर्ड की है, मैं उसको यहाँ पे टाइप करूँगा, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर जो ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से जो है गाइस जो भी लिरिक्स है वहाँ पर मैं टाइप करूँगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, एनिमेशन भी कैसे लगाना आपको मैं वो भी बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा जी लिरिक्स में ये आ रहा है ऑप्शन, ये मतलब कि ये वर्ड है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। जो गाइस आपने स्टार्टिंग में सुना ना गाइस म्यूजिक वही वाला है, ये मतलब म्यूजिक यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे गाइस फोन्स वगैरह जो है यहाँ पे बहते रहे हैं, आप इसमें से कोई से भी यूज़ कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगे। तो यहाँ पे मेरे को गाइस एक फोन था जो मेरे को मतलब कि अच्छा लगा इसमें से, तो मैं उसको यूज़ करूँगा। तो मैं बता देता हूँ कौन सा है। तो यहाँ पे आप एकदम नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको लास्ट में ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ये वोरा वाला, ठीक है। तो ये वाला मैं फोन है जो मैं अपनी पूरी वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी ये मेरा जो म्यूजिक है वो यहाँ से यहाँ तक प्ले हो रहा है, यहाँ पे जो है दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो बस देखिए मैं एक बार यहाँ प्ले करता हूँ, यहाँ पे मेरा यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लिरिक्स जो है स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, तो मैं उसको टाइप करूँगा। तो सिंपली वही सेम चीज़ करूँगा, मैं टेक्स्ट ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं उसी टेक्स्ट को वापस से टाइप करूँगा। तो गाइस ये चीज़ जो है मतलब कि लिरिक्स वाला जो पार्ट है काफ़ी लंबा खींचेगा, तो इसको मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ और आप लोग ध्यान से देखते रहना। तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो को जो है स्पीड बढ़ा देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ तक का हमारा काम जो हो चुका है गाइस, ठीक है। तो अभी जो है मतलब यहाँ पे जो भी वेस्ट पार्ट है आगे का सब कुछ मैं डिलीट करके यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो आगे का स्टेप जो जो आपको करना है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस इसको एक्सपोर्ट करने के बाद वापस न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड जो वीडियो हमने अभी एक्सपोर्ट करी है उसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे एंड उसको ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे जब। तो यहाँ पे ऐड कर लोगे तो गाइस आप लोग वीडियो की जो लेंथ है ना उसको इंक्रीज़ कर देना, डबल टैप करके आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है डबल टैप एंड उसके बाद इस तरीके से आपको जूम आउट करना है इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे जैसे लेयर खत्म हो रही है, जैसे लिरिक्स जहाँ पे खत्म हो रहे वहाँ पे आपको वीडियो को ट्रिम कर देना, वहाँ वहाँ से मतलब कि जैसे हमने वहाँ पे भी फॉन्ट लगाया इतना गाइस वहाँ वहाँ पे उतनी उतनी एरिया से आपको जो वीडियो को ट्रिम कर देना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ट्रिम करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो रहा है तो इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ गाइस, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप सेम चीज़ को मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना खींचे गाइस। सो गाइस जब आप लोग यहाँ पे अपनी जो मतलब कि लेयर है बना लोगे गाइस, तो उसके बाद आपको इसमें इफेक्ट कौन से है मतलब एनिमेशन कौन सा ऐड करना वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको फटाफट एक दो रह गए तो इनको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बाकी को ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से एंड डिलीट
एंड लास्ट में वाटरमार्क भी डिलीट। अब गाइस देखिए यहाँ पे हम वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ये कॉम्बो वाला ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा स्लाइड करेंगे एंड ये वाला जो फर्स्ट वाला जो है ग्रीन वाला, इस पर जो ये लिखा हुआ है पेंडुलम वाला, ये वाला लेंगे एंड इसके बाद इसको हम ये वाला इफेक्ट डालेंगे एंड सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे एंड सेम वही एनिमेशन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम कॉम्बो पे क्लिक करेंगे वापस से एंड कॉम्बो पे क्लिक करेंगे एंड ये जो पेंडुलम 2 है गाइस इस वाले को यूज़ करेंगे। तो यही सेम चीज़ आपको फर्स्ट सेकंड सब में दोनों में मतलब जितने भी लेयर है सब में यही करना है। तो मैं आप इसको करता हूँ फटाफट। सो गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो जो कंप्लीट एडिट हो चुकी है गाइस, तो यही था आज का हमारा प्रोसेस। तो गाइस आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।